अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गर्ल्स? ठीक है आप सब? ये देखें, मैंने एम जी मराकी की 6 जो उनकी बेसिस है ना, उनका स्माल जो है ना वो मंगवाया, स्माल पैकेजिंग की, ठीक है, स्माल वाली बेस की डब्बी। तो एक बिग है, एक स्माल है। तो ये 800 रुपया इसकी कीमत है, और इनके मैं अच्छे से आपको कलर बताऊंगी। और ये मेरी जो है ना, चार हैं स्टिकों के नंबर, जैसे 45, 45, 38, 36 और 303 कंसीलिंग वाला कलर, ठीक है। यही ज़्यादा जो है ना पॉलर में कलर चलते हैं। और अब अगर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, अगर आपने घर में यूज़ के लिए, खुद के लिए लेनी है ना इन बेसिस में से, तो आपको कौन सा कलर मैच करता है ये वाला मैं आपको सही तरीके से समझा दूँगी आज, ताकि अगर आपने मंगवानी है कोई बेस तो आपको पता हो कि कैरालोन में वो इसमें कौन सा नंबर बनता है, ठीक है। ये देखें, पहले देख लें, ये देखें, वो देखें, वो है पहला नंबर इनका, ठीक है, एक नंबर बेस। ये है दो नंबर बेस, और ये है तीन नंबर बेस, ठीक है, और ये है चार नंबर बेस, ये पाँच नंबर, और ये छः नंबर। जो छः नंबर है ना, ये भी कंसीलिंग के लिए यूज़ होता है, और ये है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, और ये है पिंक इनका, जैसे वो होता है ना कैरालोन में 1W, वो वाला ऐसे पिंक है। ये भी कंसीलिंग के लिए यूज़ होता है, या बेस के ऊपर यूज़ होता है, जैसे नीचे अगर येलो यूज़ कर लिया उसके ऊपर हम पिंक यूज़ कर लें, या मिक्स करके यूज़ कर लें, मतलब इस तरह इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। और इसका तो पक्का सबको पता है कि ये छाइयाँ दाग धब्बों के लिए, कंसीलिंग के लिए है ऑरेंज कलर, ठीक है, इसका तो मेन यही यूज़ है, और इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये इनकी बेसिस है ना, जो जैसे 4 नंबर बेस है, और ये वाली बेसिस, इनको तो फिर आप ऐसे डायरेक्ट लगा के फेस पाउडर वगैरह लगा लें, आपको मैं यूज़ भी बता दूँगी, ठीक है। और या इन्हीं की मिनरल बेस जो है ना, एज अ लूज पाउडर या एज अ मिनरल बेस उसको पेस्ट बना के लगा लें, या इसी बेस को आप लिक्विड किसी बेस में मिक्स करके लगा के ऊपर पाउडर लगा लें, ठीक है। ये तो यूज़ हो गए ना, लेकिन मैंने आज आपको नंबर बताने, ठीक है। किसी ने यूज़ पूछना हो तो कमेंट में पूछ ले, या फिर मुझे ज़्यादा कमेंट आए तो मैं आपको वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाजू पे ना इनके कलर जो है ना, ये देखें लिखे हैं, ये देखें नज़र आ रहे हैं, ये एम जी मराकी के हैं नंबर। और मैं स्टिक के भी आपको बताती हूँ, ये देखिए, एक नंबर इनका येलो है, ठीक है, येलो येलो लाइट से जो येलो होता है ना, एवरी होता है कैरालोन में, वो वाला येलो है। और इनका जो दो नंबर है ना, वो है हमारा 45 जो होता है कैरालोन में, ठीक है, 45 कैरालोन में। कैमरे को क्या है, फोकस नहीं कर रहा, हाँ आप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं आप इसको ऊपर जो है ना, इनके कैरालोन के मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये इनका 3 नंबर देख लें, 4 नंबर देख लें, और 5 नंबर देख लें, और इनका 6 नंबर देख लें, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ से बताती हूँ मैं आपको, ये देखें, ये है जो इनका है ना दो नंबर, वो है हमारा 45 नंबर से हल्का फुल्का मैच करता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। और जो इनका दो नंबर है ना, ठीक है, दो नंबर है ना, वो है हमारा 38 कैरालोन के स्टिक में इनका दो नंबर, ठीक है, जैसे ये देखें दो नंबर इनका, ओके, ये 38 हमारी स्टिक में, और ये एवरी कैरालोन में 45 कैरालोन में पहला नंबर, पहले नंबर पे जो डिग्री टोटी है, ठीक है। और जो इनका ये 3 नंबर है ना, जैसे यहाँ पे देखें, इनका 3 नंबर है हमारा 36 कैरालोन में, इनका 4 नंबर, बल्कि 4 नंबर है इनका 36 कैरालोन में, 3 नंबर है 38 कैरालोन में, और 2 नंबर है 48, मिलता जुलता है 48 से, लेकिन इनका थोड़ा सा फेयर है, और वो थोड़ा सा पिची टोन में आ जाता है हमारा 45 कलर, ठीक है। और ये देखें, जो हमारा कंसीलिंग के लिए 303 है ना कैरालोन में, तो उसका कलर ऐसा है, ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज सा, और इसमें येलो शेड देता है, और जो इनका है वो बिल्कुल येलो शेड देता है, ठीक है। ये देख ले एक बार में, ठीक है, जिसने लेने हैं ना इस तरह स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, तो फिर उनको पता चल जाएगा कलरों का। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब इनकी तो आप सबको समझ आ गई है ना, कि ये हमारा है 45 स्टिक एवरी के साथ मैच करता कैरालोन में, ये हमारा 45 के साथ मैच करता है, और ये हमारा 38 स्टिक के साथ मैच करता है, इनका 3 नंबर, ठीक है। इनका 4 नंबर हमारी 38 स्टिक के साथ मैच करता है, और ये 1W सीरीज जैसे पिंक पिंक होती है वैसे का है, ठीक है, पिंक है ये पिंक, और ये है ऑरेंज कंसीलिंग के लिए, ठीक है। अब ये देखें, ये है हमारा कैरालोन में ऑरेंज, और इसका शेड देखें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया दिया, और ये है हमारा 36 नंबर, और ये देखें मैच कर रहा है ना। जिस किसी ने ये जो है ना कैरालोन के बाद काफ़ी अच्छी बेस है, मतलब अगर कोई कैरालोन नहीं ले सकता तो ये वाली लेके अपना पॉलर का काम, ये खुद के लिए लेके यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये देखें है ना मैच इसके साथ। और अब हमारा 45 नंबर की बारी है, ये देखिए हमारा 45 नंबर, ये भी मैच हो रहा है 2 नंबर से, और हमारा 38 भी मैच हो रहा है तकरीबन, और 38 ज़्यादा जो मैच हो रहा है ना, वो है हमारे इस नंबर के साथ, 4 नंबर के साथ, ठीक है। अब इनके कलर भी आप चारों को देख लें, और उनके भी देख लें, जिसने जो भी बेस लेनी हो फिर उसके लिए लेना ईजी हो जाए।
पकड़ में नहीं आ रही। जैसे कि ये आप काफ़ी कॉस्टली हो गई ना, लेना मुश्किल है लोगों के लिए। तो ये जो है ना, मैंने बहुत बेसिस यूज़ किए हैं, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर जो कैरलोन के बाद अच्छी बेस है ना पाकिस्तान में, और मुनासिब 800 रुपये में ये काफ़ी बेस होती है केले बंदे, और ये ना थिक है, काफ़ी थिक है, लाइट से यूज़ करने से फुल कवरेज देती है, क्योंकि ये डर्मा है ना, फुल कवरेज है, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम आपकी निकाल जाएगी कैरलोन की तरह। तो जिस किसी ने लेनी हो ना, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, आप मंगवा सकते हैं, ठीक है इनसे। ये देख लें आप, ये इनका 6 नंबर, ये इनका, ये मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, जो परेशान होते हैं कि उनको मतलब कौन सा कलर मंगवाएं, कौन सा नहीं मंगवाएं, तो कौन सा उनको मैच करेगा। जो इनका ना, मैंने जो देखा है ना, ये इनका 2, 3 और 4 नंबर जो है ना हमारी पाकिस्तानी स्किन में ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। और जो गोरे लोग हैं ना, उनके लिए पहला नंबर यूज़ होगा, बहुत गोरे लोग होते हैं। और ये जो ऑरेंज है और पिंक है, ये तो हमारी कंसीलिंग के लिए यूज़ होना ही होना है, और या पिंक टोन वाले जो लोग हैं ना, जिनकी स्किन की पिंक टोन होती है, और उनके लिए, और जो या फिर काशी की वाली बेस बनाना चाहते हैं ना, पिंक पिंक बेस, तो उसके लिए भी बेस्ट है, ठीक है। इनके सारे नंबर बेस्ट हैं, इनकी सारी बेसिस के कलर। लेकिन अगर किसी ने एक मंगाना है ना, जिसका डार्क स्किन है ना, वो 4 नंबर मंगाए, ठीक है, क्योंकि ये फुल कवरेज देता है और ये कलर को ग्रे नहीं करेगा, ओके। और जो 3 नंबर है ना, जो मीडियम कलर है ना, मीडियम कलर गंदमी कलर जो हमारे पाकिस्तान का है, वो 3 नंबर मंगाएं, ठीक है। और जो है ना मीडियम से थोड़े फेयर हैं, वो 2 नंबर, और जो बहुत ज़्यादा येलो टोन में फेयर हैं, वो इनका 1 नंबर, ठीक है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मैंने इनकी एक ब्लैक आई शेडो भी मंगाया, पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी मैं आपको बना दूँगी। और इनका एक आईब्रो फिलर मंगवाया है, ठीक है, वो एज आ ब्राउन आई लाइनर के तौर पर भी यूज़ होगा, वो कलर के तौर पर भी यूज़ होगा, ठीक है। वाटर वाटर जो होता है इनका, एक लाइनर, और एक मैंने जो मंगवाया ना इनकी, ठीक है, मैं लैश ग्लू मंगवाई है, ठीक है, वो काफ़ी कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग है। मैं उसको चेक करूँगी, फिर आपसे शेयर करूँगी। कुछ भी पूछना तो कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।